उफ यार उसको जब नमस्ते जनता जनार्दन। आज सुबह से मेरे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं। ऐसे झगड़े नहीं, मतलब जैसे एक टॉपिक कोई होता है ना, उस पे दोनों अपने अपने बातों को रखते हैं और फिर उन बातों में फिर लड़ाई हो जाती है। ये ऐसे चीज चल रहे हैं। मेरे को ना लाउड चीज सुन के नहीं होता, मेरा कान दुखने लग जाता है, फिर उसके बाद सर दुखने लग जाता है। एक तो जब से मेरा लास्ट एग्जाम था ना, लास्ट एग्जाम से मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर मैं कंट्रोल कर रही थी उस चीज को कि नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा करके, पॉजिटिव थी कि वो ठीक हो जाएगा करके। फिलहाल तो ये असहनीय हो गया, इस कारण मेरे को जाना पड़ रहा है। तो अभी 3:30 हो रहे हैं, मैं ही जाऊंगी। स्कूटी नहीं था इस कारण मैं सुबह नहीं गई, पर मैं अब जाऊंगी। चलते, इनको बोल रही हूँ कब से, चलो 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 ना दीदी। जस्ट मैं अभी पहुंची और इतना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, हाथ में भी एकदम पसीना आ रहा है। मेरे आता नहीं इतने ज्यादा पसीना, फिर भी इतना ज्यादा आ रहा है। मैं अपने गांव वाले में नहीं आई हूँ क्योंकि गांव वाला आज बंद था, तो मेरे आगे एक और गांव है, मैं वहां पे आई हुई हूँ। हॉस्पिटल पे आओ तो एकदम अलग फीलिंग आती है, स्मेल ही पहले दवाई दवाई वाला आने लग जाता है। थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा, अगर ठीक से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिलहाल तो गरम गरम लग रहा है यार बॉडी। यहाँ पे वेट वाला भी है, वेट वाला एक बार वेट लूंगी मेरा है कितना। बस चढ़ कोई भारी व्यक्ति रहा तो फिर तो सीधा कितना हुआ, कितना किलो में 31.8। इनका देख रहे हैं एक बार कितना किलो है, करो देखो देखो। जो वेट है वो कितना था पता है, 58 kg था। हाँ, मैं है ना दीदी, अंदर से हो गई होगी कम। हाँ अंदर से हो सकती, तो 51 kg की हो चुकी हूँ मैं। 51 एकदम ऐसे पास आता है वैसे लगता है। मतलब कम हो गया बीपी, मतलब मेरा बीपी लो है या मेरा बीपी हाई, पता चला कैसे लगता है। वो ऐसे लगता है एक बंद हो रहा है, बंद 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 बंद। कितना है आपका, 110। मुझे ORS पीने की सलाह दी जा रही है। मेरा बीपी चेक हो चुका है, बीपी लो है मेरा। मेरा पहले मैं एकदम सही थी, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सब चीज लो लो लो, वेट भी कम, दिमाग खराब। अभी फीवर है बहुत दिन से, तो अब मेरा फीवर चेक हो रहा है। मेरी एक चीज तो ठीक है कि मेरा फीवर था, तो फिर 37 मेन होता है, 36 ही बस है हमारा, तो ठीक है। हाँ हम लोग 37.5 नॉर्मल होता है, ये एबनॉर्मल। फिर से भी अब बाकी चीजें मेरी चेक तो हो चुकी है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। बाहरी कुछ नहीं है, बस अंदर से ही ना मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है यार। अभी मेरा बॉडी पेन काफी हो रहा था और पेट दर्द भी काफी हो रहा था, इसलिए शायद मुझे इंजेक्शन लगेगा। मुझे डर नहीं लगता है इंजेक्शन से, पर ठीक है, डरती नहीं हूँ मैं। मेरा नंबर कब आएगा, कब कब कब। बचपन में क्या होता था, मैं थी और मेरी दीदी, हम दोनों का ना तबीयत एक साथ खराब होता था ना, तो हम दोनों को पता नहीं कैसे एक साथ खराब होता था। और हमारे घर में आते थे डॉक्टर, क्योंकि फैमिली डॉक्टर थे, तो और हम दोनों को इंजेक्शन लगता था ना, तो सबसे पहले ऐसा था, मैं बोलती थी दीदी बढ़िया, दीदी को पहले इंजेक्शन लगेगा, मेरे को पहले इंजेक्शन नहीं लगेगा। एक बार मेरे को जब इंजेक्शन लग रहा था, तो मैंने हिला दी थी ऐसे, हट गई थी, तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा भुगतान करना पड़ा था। इसलिए किसी को इंजेक्शन लगे तो मत हिलो। मेरे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से है कि मैं हॉस्पिटल में वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी आवाज अंदर तक जा भी रही होगी। हॉस्पिटल में धीरे बोलो OPD, अगर मैं बायो वाली स्टूडेंट होती तो मुझे पता होता है कि ये सब क्या है, पर मैं ठहरी एग्रीकल्चर वाली स्टूडेंट। दीदी से पूछूंगी मैं, दीदी को पता होगा। यहाँ पे जो मैम बैठी हुई है, उन्होंने कहा है कि तुमको इंजेक्शन लगेगा, 2 मिनट वेट करो, अगर गोली से काम बन जाएगा तो मैं नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन तैयार हो रहा है ना, मुझे उससे डर लग रहा है। ओ भाई साहब, मुझे इंजेक्शन कभी पसंद नहीं आता है।
गंदे इंजेक्शन लगा, अंदर ही अंदर दुख रहा है मेरे को भाई। जितना भी तबीयत खराब हो जाए ना उसमें गोली मैं खा लूंगी, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती, मैं कभी बता रही हूँ मेरे को इंजेक्शन नहीं जमता। और अभी मेरे को वेट करने के लिए बोला, मेरे को पानी पीना है यार, इतनी बड़ी बॉटल दी है मेरे को पानी पीने के लिए। यहाँ का स्टाफ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इतने बड़े बोतल का मैं कैसे पी लूं पानी, ग्लास मुझे ऐसा फील आ रहा है कोई बस मुझे घर तक छोड़ दे, मुझे यहाँ से घर नहीं जाना है। ये वाला जो अस्पताल है ना वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, और मेरे घर के पास वाला मैं ही लेट कर देती हूँ ना, इस वजह से बंद हो जाता है। 61 kg मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 50 मेरी हाइट है, 5'6" से थोड़ी ज़्यादा है मेरी हाइट। जितने भी चीज़ें थी सब मैम ने लिख दी हैं, क्या क्या खानी है क्या क्या नहीं खानी है वो सारी चीज़ें भी। अब बस अपने पे फोकस करना है। से मैम फिलहाल तो ठीक हूँ, इतना भी कुछ हुआ नहीं होगा मुझे मुझे पता है। अभी मेरे पेट का चेकअप, यार पेट भी इतने दिन से, वैसे मैं बाहर का खाना इतना ज़्यादा खाती नहीं, पता नहीं पेट में क्या प्रॉब्लम आ गई है मेरे। भी बोले कि सोनोग्राफी कराना है, अब कराऊंगी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं करके, क्योंकि 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं लगे तो वो अलग बात होती है। मुझे तो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया, एकदम ठीक ही नहीं लग रहा है यार। तो मैं पापा के साथ जाऊँगी, कल जाऊँगी मैं। यहाँ से जितना कराना था हो चुका है, पसीना बहुत आ रहा है इसलिए थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर चलती हूँ मैं घर। जस्ट मैं धूप में निकली और मेरा सिर घूम रहा है यार, पर थोड़ा पहले से बैठने लगा, अब वापस जाना है। जो डॉक्टर मैम थी उनने मेरे को मोमो खाने से मना किया है, पर मोमो के अलावा तो मैं कुछ खा सकती हूँ, पर अभी मुझे बेटर भी लग रहा है थोड़ा। अब मैं आई हूँ रेस्टोरेंट में, डोसा हम मना किया है खाने के लिए। मुझे चाउमीन खाना है, ऐसे पकड़ा करो, ऐसे पकड़ा करो क्योंकि ये गंदा होता है, ठीक है। पहले आप मुझे ने डिसाइड कर लिया, पेट दर्द है फिर भी चाउमीन खाएगी बोल रहे हैं। मैंने क्या सोचा था कि मैं खाऊंगी मोमो, पर अब मैं मोमो का प्लान कैंसिल कर दी। अब हम लोग मंगाए हैं चाउमीन मंगाए हैं, मंचूरियन मंगाए हैं और मसाला डोसा। बात मैं बता देती हूँ कि अगर डॉक्टर मना किया है तो आप सब तो बिल्कुल मत खाना। हमने कल बिल्कुल नहीं देखा है कि कल क्या होगा, कल कोई जिंदा रहेगा भी या नहीं, तो अब खा लेती हूँ मैं, क्या करूँगा मैं, खा लेती हूँ मैं, यही सोच के मैं हर चीज कर लेती हूँ, इसलिए मैं डोसा खाऊंगी। मैं अकेले कैसे, मंचूरियन और मोमो नहीं। ये हमारा डोसा आ गया है, मैं खाना कैसे छोड़ूंगा। यार मुझे ना खाना बहुत पसंद है, मैं खाना नहीं छोड़ सकती। मंचूरियन हमने कैंसिल करा लिया, हम दूसरी जगह जा खाएंगे। देखो मजा खुला मंचूरियन उस दिन, मेरे को भी पाव भाजी मजा नहीं आया, बस मेरे लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग कैंसिल करा दिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इधर सेंटर आई हूँ, यार मैं कोल्ड कॉफी मंगाई थी, इतना ज़्यादा क्वांटिटी कि अब मैं नहीं पी पा रही हूँ इसको।